प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया को घमंडिया गठबंधन करार देते क्या लगा सीधा आरोप, देखते हैं खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया को घमंडिया गठबंधन करार देते आरोप लगाया कि इसके नेताओं ने सनातन संस्कारों और परंपराओं को समाप्त करने का संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश के बिना में एक कार्यक्रम के दौरान 50,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर देश और समाज को विभाजित करने का आरोप भी लगाया। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनका नेता तय नहीं है और नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन उन्होंने मुंबई में बैठक कर घमंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति तय कर ली है और साथ ही एक छुपा हुआ एजेंडा भी तय कर लिया है। प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की सफलता से आज देशवासी गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि G20 की सफलता का श्रेय मोदी को नहीं, ये आप सबको जाता है और ये भारत की सामूहिक शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से आए विदेशी मेहमान कह रहे थे कि ऐसा आयोजन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।